नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक की जो रिटेल निवेशकों का काफी ज्यादा आप कह सकते हैं फेवरेट बैंक रहा है। और जब स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट दिखा रही थी तो कई निवेशक इसमें निवेश करे हैं और कई इस बात में इसमें निवेश करने से इसलिए चूक गए कि उन्हें लग रहा था कि ये जो गिरावट है जो वाकई में बहुत ज्यादा हो चली थी, तो वो गिरावट कहां जाके थमेगी, तो उन्होंने उस वक्त निवेश नहीं किया। और स्टॉक ने उस समय के बाद जो उसने बॉटम लगाया उसके बाद एक बहुत ही शानदार क्वार्टर वन के नंबर पेश किए और वापस से स्टॉक ने जो तेजी दिखाई वापस मुड़ के नहीं देखा। लेकिन अब आप जब देखिए, जब बाजार भी बहुत तेज भाग चुका है, अब बाजार में कह लीजिए गिरावट है, बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा प्रेशर दिख रहा है, ऐसे में ये स्टॉक भी बड़ी गिरावट दिखाने की तैयारी में है, ऐसा कई निवेशकों को लगता है। और उनके में डर यह है, क्या इस समय इस स्टॉक पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? तो प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है, कौन से वो लेवल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस स्टॉक के लिए, और क्या वाकई में ये स्टॉक आप कह सकते, क्योंकि ये देखिए ये भी रिटेल निवेशकों की रडार में बहुत आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसमें कई निवेशकों को ये लग रहा है कि ये नेक्स्ट HDFC भी बन सकता है। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, खासकर जो मेरा आप कह सकते हैं इस वीडियो में फोकस रहेगा वो लेवल्स को लेकर के रहेगा, क्योंकि देखिए स्टॉक गिरावट तो दिखा रहा है। आज भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 3:15 बजे के आसपास स्टॉक 2% से ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 2.24% की गिरावट देख रहे हैं आप, ठीक है, मैंने कहा था 2% ज्यादा गिरावट दिखा रहा है। अभी लगभग 3:15 बजे हुआ है, 3:15 हुए हैं दोस्तों, 3:10 के आसपास हो रहा है टाइम, ठीक है, और स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। और देखिए ये गिरावट कल भी जारी थी, मैं अगर आपको दिखाऊं पिछले 5 दिनों में यदि आप देखेंगे स्टॉक ऊपरी स्तरों से देखें तो एक समय में देखिए 5% से भी ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। लेकिन देखिए ये जो गिरावट है ये ज्यादा घबराने की नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए कंपनी जो बैंक है ना उसने रनअप भी बड़ा शानदार किया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ जरा मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, ठीक है। ये आप देखें पिछले 6 महीने में, अगर आप 1 महीने में देखेंगे तो इसने जो लो लगाया दोस्तों, देखिए बल्कि और थोड़ा नीचे मैं 6 महीने लेके जाना चाहूंगा, इसने जो 29 का लो लगाया था ना वहां से अगर आप देखेंगे स्टॉक ऑलमोस्ट 57% भाग चुका है। कितना दोस्तों? 57%। और ये केवल और केवल आप देखेंगे तो केवल 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 57% की आपको ये तेजी दिखा चुका था। तो देखिए इतनी तेजी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, और जब देखिए बाजार में भी निगेटिविटी हो, क्योंकि जो आप ये रैली देख रहे हैं ना 57% की, इस समय जून से लेकर के जो लो लगाया था कम निफ्टी ने वो भी 18% की तेजी दिखा चुका है दोस्तों, ठीक है, यानी निफ्टी से भी काफी अच्छी आपने देखे यहाँ पे रैली दिखा चुका स्टॉक। तो अब इसमें देखिए प्रोस्पेक्टस तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जो बैंक की कमेंट्री रही है कि भाई आने वाले 2-3 क्वार्टर के बाद अगर आप ये IDFC फर्स्ट बैंक को देखेंगे तो ये बैंक एक शानदार रिजल्ट आप कह सकते हैं, एक शानदार तेजी और दिखा सकता है, प्लस इसकी बैलेंस शीट बड़ी मजबूत होगी। तो निवेशक बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक इस बात को लेकर के हैं कि हाँ भाई इस बैंक में अब आने वाले समय में काफी अच्छी पॉजिटिविटी हो सकती है। और देखें स्टॉक कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरा दोस्तों, और देखिए इसका जो मैं हमेशा कहता हूँ IDFC फर्स्ट बैंक का जो एक सपोर्ट जोन है बहुत स्ट्रांग, वो है 38 से लेकर के 42। ये जो 4 रुपए का लेवल है ना दोस्तों, ये IDFC फर्स्ट बैंक के लिए बहुत बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक बाजार में कोई बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं हो जाती है, जब तक बैंक निफ्टी एकदम क्रैश नहीं होता, जब मैं क्रैश बोलता हूँ दोस्तों तो आप समझिए बैंक निफ्टी में जब तक गिरावट नहीं हो जाती अच्छी खासी, तब तक मुझे नहीं लगता ये 38 रुपीज का लेवल 242 टूटेगा। हाँ मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक बहुत तेज भागेगा, लेकिन हाँ ऐसे ही कंसोलिडेट आपको दिखाते रहेगा, एक कंसोलिडेशन फेस में चला जाएगा, ठीक है। और IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के दोस्तों अभी उतनी चिंता इसलिए भी नहीं है क्योंकि बैंक की जो क्वार्टर वन के नंबर आए ना ये बहुत ही अच्छे लगे दोस्तों, ठीक है, क्वार्टर वन के जो नंबर रहे वो काफी अच्छे लगे, इसीलिए यदि
किसी वजह से बाजार में कोई बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है, बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गिरावट होती है। क्यों? देखिए आने वाले समय, मैंने आपको पहले बताया यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है सितंबर में, जहां पे 75 बेसिस पॉइंट की, जो बेसिस पॉइंट की आप कह सकते हैं जो बढ़ोतरी है इंटरेस्ट रेट में होने वाली है, तो इसके कारण थोड़ा आप कह सकते हैं कि बाजार में गिरावट आ सकती है, एक आप कह सकते हैं एक हैंगओवर हो सकता है जिसके कारण स्टॉक गिर सकता है। लेकिन पर्सनली मुझे ये लगता है कोई बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट स्टॉक में कतई नहीं होने वाली दोस्तों, ठीक है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इसमें पर्सनल होल्डिंग हो सकती है, लेकिन मेरी होल्डिंग काफी नीचे की है और बहुत लंबे समय की है दोस्तों, ठीक है। और देखिए अभी जो है ना बैंक निफ्टी भी काफी हद तक एक हैंगओवर में दिख रहा है, ठीक है। आप इसे देखें, ये पढ़ें इस लाइन को कि आफ्टर टेस्टिंग द लेवल्स अराउंड 39,500 टू 40,000, सेलिंग प्रेशर इज इंक्रीजिंग इन द बैंक निफ्टी इंडेक्स। एज एन इंडिकेशन ऑफ सेलिंग प्रेशर वी कैन ऑल्सो सी अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम स्पाइक इन द रिसेंट बेयरिश कैंडल। बेयरिश कैंडल में दोस्तों बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और कल ये 40,000 को छूने के बाद सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दोस्तों। और देखिए सिग्निफिकेंट सपोर्ट इज एट 38,000 एंड रेजिस्टेंस अराउंड 40,000। और देखिए बैंक निफ्टी में 38,000 रुपये में एक तगड़ा सपोर्ट है और 40,000 में रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यदि 38,000 टूटता है और एक गिरावट होती है तो देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी गिरावट होने के चांसेस हैं। लेकिन मैंने फिर कहा 38 to 42, ये स्टॉक के लिए जो 4 रुपए हैं ये बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसे टूटना मुझे करेंटली थोड़ा सा मुश्किल लगता है। यदि कोई बहुत ज्यादा निगेटिव चीज आ जाए या कोई ऐसी कुछ न्यूज निकल के आ जाए जिसके कारण ये स्टॉक गिरावट दिखाए तो मैं नहीं बोलता, लेकिन उसके सिवाय कोई भी जगह पे मुझे प्रॉब्लम स्टॉक में बिल्कुल नहीं दिखती दोस्तों, ठीक है। और अभी कुछ समय के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे लगता है कंसोलिडेट जरूर कर सकता है, ठीक है। कोई बड़ी तेजी स्टॉक में अभी नहीं दिखने वाली, हाँ बाजार कुछ पलटी खा जाए तो मैं नहीं बोलता, लेकिन नॉर्मल सिनेरियोस में कहीं भी कुछ भी निगेटिविटी, कुछ भी निगेटिव इस स्टॉक में मुझे नहीं दिखाई देता दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा बैंक है दोस्तों, और कोई भी बड़ी डिप इसमें एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा 38 से 42 रुपए हमें जरूर देखना है, और बैंक निफ्टी वापस से प्रेशर में आ रहा है जिसके कारण इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकती है दोस्तों। बट मैं बता दूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई भी बड़ी सेलिंग अभी यहां नहीं होने वाली। प्रॉफिट बुकिंग की बात अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि निचले स्तरों पे हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए लिए थे और कल लीजिए आप थोड़ी बहुत गिरावट अपने पैसे में नहीं देख सकते, तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर कर ले दोस्तों, ठीक है। वरना यदि लॉन्ग टर्म के लिए थे, नीचे स्तरों पे हैं और भी एक्यूमुलेट कर सकते, तो प्लीज एक भी स्टॉक सेल करने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक काफी अच्छा रन अप दे सकता है, लेकिन हाँ बाजार और मैक्रो इकोनॉमिक्स कमजोर होने के कारण थोड़ी सी आपको तकलीफ मिलेगी स्टॉक में, या तो कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा या स्टॉक ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 2-4 रुपए में करता रहेगा, आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों यही होता है, कह लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कह लीजिए थोड़ा बोरिंग प्रोसेस होता है। तो यदि आप कह लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए निचले स्तरों पे हैं, प्लीज स्टॉक को पकड़े रहें। हाँ अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे बिल्कुल निकल सकते हैं स्टॉक से, क्योंकि अब यहां से बहुत तेजी, अगर आप देखेंगे स्टॉक के पास 45 रुपए का ना एक ह्यूज रेजिस्टेंस है, और 45 से 48 स्टॉक के लिए इतने बड़े रेजिस्टेंस दोस्तों जिसे इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम चाहिए, कोई बहुत बड़ी फेवरेबल चाहिए पूरे पूरे बाजार में, तब जाके 45 से 48 का जो 3 रुपए है ये बैंक तोड़ पाएगा। और मुझे लगता है जिस तरह निचले स्तरों पे 38 to 42 एक बड़ा सपोर्ट है, 45 to 48 इस स्टॉक के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये चीज प्लीज अपने दिमाग में कोई भी पोजीशन लीजिएगा। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।